जैतापकर बिल्डर्स एंड डेव्हलपर्स 20 वर्षांपासून गृहस्वप्न साकार करणारे एक नाते विश्वासाचं. 4.5 वर्षातील जनसामान्यांमध्ये असलेली नाराजी, विरोधकांची एकजूट, कर सवलतींसाठी असलेला दबाव या सगळ्यावर मोदी सरकारनं शुक्रवारी जालिम औषध दिलं. कामगार, शेतकरी, महिलांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र नेहमीप्रमाणे कोकणवासियांच्या पदरात या अर्थसंकल्पातून फारसं काही पडलं नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अनुपस्थितीत प्रभारी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प मांडला. सवलतींचा पाऊस पाडत सुसाट सुटलेली मोदी सरकारची निवडणूक पूर्व अर्थसंकल्पीय बुलेट गावकरी, शेतकरी, महिला, नोकरदार या साऱ्यांना घेऊनच थांबली. छोट्या शेतकऱ्यांना वर्षाला 6,000, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना पेन्शन, बोनस अशा घोषणा करणाऱ्या सरकारनं 5 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा करून मास्टर स्ट्रोकच मारलाय. तब्बल 3 कोटी नोकरदारांना दिलासा देणाऱ्या या घोषणेनं संपूर्ण माहोलच बदलून टाकलाय. किसानों की उन्नती एवं आय वृद्धि. मॅडम स्पीकर, हमारे मेहनती किसानों को फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलता था. हमारी सरकार ने किसानों की आय दुगुनी करने हेतु इतिहास में पहली बार सभी 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP लागत से कम 50% अधिक निर्धारित किया. छोटे और सीमांत जो किसान हैं, उनको एक प्रकार से उनकी आय में और तेज गति से बढ़े और एक समर्थन देने के हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की. PM किसान इस योजना के तहत जो वल्नरेबल किसान हैं, जो छोटी जमीन रखते हैं, 2 हेक्टेयर तक की जिनकी जमीन है, 2 हेक्टेयर तक की जमीन को उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है. करीब 12 करोड़ किसान परिवारों का इससे सीधा लाभ मिलेगा. ये प्रोग्राम 1 दिसंबर 2018 से ही लागू किया जाएगा और पहली किश्त 2,000 रुपए की जल्द ही सूचियां बना के उनके खाते में भेजी जाएगी. कार्यक्रम का अनुमानित खर्चा 75,000 करोड़ रुपए सालाना सरकार भरेगी. एक वर्ष के बदले पूरा जो कामगारों और सरकारी सेवाओं में कार्यरत सभी लोगों को मिलना चाहिए. पिछले 5 वर्षों में भारत में होने के बाद उसकी सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया गया. उनको कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा, सरकार ने तुरंत लागू किया. 7वें वित्त आयोग को, न्यू पेंशन स्कीम को और लिबरलाइज किया गया है. कर्मचारियों के हिस्से को 10% रखते हुए हमने सरकार के योगदान को 4% बढ़ाकर 14 कर दिया है. 14% सरकारी योगदान. श्रमिकों के दिए जाने वाले बोनस आकलन की अधिकतम सीमा को भी 3,500 प्रति माह से बढ़ाकर दुगनी कर गई. 7,000 व वेतन की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 10,000 से 21,000 प्रति माह कर दिया गया. जो लोग 21,000 तक प्रति माह कमाते हैं उनको बोनस मिलेगा और दुगना 7,000 तक बोनस देने का हमने निर्णय सरकार ने लिया है. ग्रेच्युटी के भुगतान की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया.
पिछले 5 वर्षों के दौरान सभी श्रेणी के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 42% की वृद्धि हुई, जो आज तक सर्वाधिक है। इसी प्रकार से ईएसआई के एलिजिबिलिटी कवर की सीमा भी 15,000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 21,000 प्रतिमाह कर दी गई है। प्रत्येक श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन भी अब 1,000 रुपए है। सर्विस के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु होने की स्थिति में ईपीएफओ द्वारा राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए सुनिश्चित की गई। आंगनवाड़ी और आशा योजना के तहत सभी श्रेणियों के कर्मी को, हमारी माता बहनों को मानदेय में लगभग 50% की वृद्धि की गई। हमारा अनुमान है कि कम से कम 10 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारी, लेबरर, वर्कर सबको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन का लाभ मिलेगा और अगले 5 साल में शायद ये इसी साल हमने स्कीम को लॉन्च कर दिया है और 500 करोड़ रुपए इस स्कीम में जरूरत पड़ने पर हम देने के लिए तैयार हैं। जो घर खरीदते हैं उनके ऊपर भी जीएसटी का बर्डन कम होना चाहिए, उसके हिसाब से हमने जीएसटी काउंसिल को रिक्वेस्ट करके एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स तय किए और वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अब पूरी तरीके से देख रहे हैं कि जो घर खरीदने वाले हैं उनका टैक्स का बर्डन कैसे कम किया जाए। उनके रिकमेंडेशंस आएंगे तो उस पर जीएसटी काउंसिल उचित निर्णय लेगा। मध्यम वर्गीयांकडून या अर्थसंकल्पाचं स्वागत होतंय, तर विरोधकांकडून मात्र या अर्थसंकल्पावर टीका होतीये। शेतकऱ्यांसाठी जी योजना काढली ती ऑल ओव्हर इंडियामध्ये सगळ्यांनाच लागू होणार, त्यामुळे कोकणातल्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार। तो असा आहे की 5 एकर पेक्षा कमी जमीन धारक जे आहेत त्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये सरकार त्यांच्या खात्यामध्ये जमा करणार। हा एक झाला। त्याच्यानंतरची दुसरी एक सामाजिक दृष्ट्या चांगली सोय म्हणजे गर्भवती महिला ज्या नोकर आहेत त्यांना 26 आठवड्यांची सुट्टी बाळंतपणाच्या कालावधीमध्ये मिळणार, ही एक सवलत चांगल्या प्रकारची आहे। म्हणजे ही काही निवडणुकीच्या ह्याच्यासाठी नाही, पण एक सामाजिक दृष्ट्या त्याचा चांगलाच उपयोग होणार आहे। त्याच्यानंतर तिसरी मध्यमवर्गीयांच्या दृष्टीनं जी केली ती अशी की 5 लाखापर्यंतचा कर पूर्ण माफ केला आणि त्याच्यावरती 1.5 लाख गुंतवणुकीवर टॅक्स पूर्वी नाही तर आजही नाही आहे। त्यामुळे 6.5 लाख रुपये उत्पन्न जे आहे ते पूर्णपणे करमाफ झालेलं आहे। त्याच्यानंतरची गोष्ट म्हणजे कर्मचाऱ्यांचं जे स्टँडर्ड डिडक्शन 40,000 गेल्या वर्षी केलं होतं 1 एप्रिल 2018 ते आता 1 एप्रिल 2019 पासून 50,000 रुपये होणार आहे। अशा ज्या काही महत्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत ना त्या सर्वच भारताला उपयोगी पडणार आहेत। आता याच्यामध्ये निवडणुकीचा भाग असा म्हणून विचारात घेतलं तर काही प्रमाणामध्ये असतंही की काँग्रेसला फाईट देण्याच्या दृष्टीनं बीजेपी पक्ष सबळ व्हावा या उद्देशानेही काही त्याच्यामध्ये त्या हेतूनं त्या केलेल्या आहेत, पण त्याचा फायदा आपल्याला निश्चितपणे सर्वांना होणार आहे असं एक माझं वैयक्तिक मत आहे। किसान सन्मान निधी मार्फत 2 हेक्टर जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना 6,000 रुपये मिळणार असल्याची घोषणा गोयल यांनी केली। 5 एकरांपर्यंत दरमहा 500 रुपये मदत देणार असल्याचं जाहीर केलं। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेन्शन योजनेअंतर्गत 60 वर्षे वयानंतर दर महिना 3,000 रुपये पेन्शन देण्याची घोषणाही केली आहे। नोकरी दरम्यान मृत्यू झाल्यास आर्थिक मदत 2.5 लाखांवरून 6 लाखांवर नेली आहे। ग्रॅज्युटीची मर्यादा 10 लाखांवर वाढून 20 लाख रुपये केली आहे। 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर टॅक्स लागणार नाही। तसेच 1.5 लाखांपर्यंतची गुंतवणूकही करमुक्त असल्याने 6.5 लाखांपर्यंत हा लाभ मिळू शकतो। बँक आणि पोस्टात जमा केलेल्या रकमेतून मिळालेल्या व्याजावर TDS मधील सूट 10,000वरून 40,000 रुपये केली आहे। एकंदरीत अर्थसंकल्पाचा सारासार विचार केल्यास निवडणुकीपूर्वी मोठी आमिष दाखवल्याचं दिसतंय। नेहमीप्रमाणे या अर्थसंकल्पाने कोकणाला मात्र विशेष असं काहीही दिलेलं नाही। या घोषणा केवळ पोकळ घोषणा न ठरो एवढंच। ब्युरो रिपोर्ट, सिंधुदुर्ग लाईव्ह।